रक्षाबंधन त्यौहार के अवसर पर सौर भारत वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा महिलाओं के सम्मान में उपहार स्वरूप 30 ई रिक्शा निःशुल्क सुविधा का उद्घाटन अरोड़ा हाउस हरी झंडी दिखाकर किया गया। पूरे पटना साहिब विधानसभा में फ्री ई रिक्शा का संचालन किया गया। महिलाओं को तिरंगा झंडा, तिरंगा राखी और मीठा देकर उन्हें भाई के घर विदा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अजय प्रकाश, स्वागत अध्यक्ष अनंत अरोड़ा, संरक्षक रामजी योगेश, पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता, निवर्तमान पार्षद तरुणा राय, तारा देवी, बाबा विवेक द्विवेदी, कांति केसरी समेत अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं राखी प्रतियोगिता में अव्वल बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं डॉक्टर अजय प्रकाश ने कहा कि रक्षा सूत्र में असीम क्षमता होती है, रोग विघ्न बाधा सब दूर करती है। भारतीय संस्कृति में बहन के प्रेम एवं एक दूसरे की रक्षा का प्रतीक है। केवल एक दिन ही नहीं बल्कि हमेशा के लिए हमें संकल्पित होना चाहिए। वहीं संरक्षक रामजी योगेश एवं स्वागत अध्यक्ष अनंत अरोड़ा ने कहा कि फाउंडेशन का कार्य सराहनीय है। वहीं कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी मेयर रूप नारायण मेहता, डॉक्टर अजय प्रकाश, रामजी योगेश, अनंत अरोड़ा, विवेक बाबा द्विवेदी, कांति केसरी, तारा देवी, तरुणा राय ने मंच से संबोधित किया। फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर रोहतगी ने अतिथियों को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया, जबकि मंच संचालन अमित खत्री ने किया। इस मौके पर शत्रुघ्न कुमार, मनोज गुप्ता, सुजीत कसेरा, गंगाधर गिरी, माधुरी देवी, चुन्नू चंद्रवंशी, अनु कसेरा, विनय कुमार बिट्टू का सहयोग सराहनीय रहा। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। ये सौर भारत वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा पिछले विगत एक वर्षों से निशुल्क ई रिक्शा का परिचालन किया जाता है उन बहनों के लिए जो रक्षाबंधन के दिन में अपने भाइयों को बांधने के लिए जाती हैं। निश्चित रूप से भाई बहन का यह त्यौहार भारत का पौराणिक इतिहास के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण पर्वों में से एक रक्षाबंधन, उस अवसर पर निश्चित रूप से यह फाउंडेशन और इसके सहयोगी एक भावनात्मक जुड़ाव की बात इन लोगों ने की है, निश्चित रूप से ये सराहनीय है। मैं इन सभी को शुभकामनाएं और धन्यवाद भी देता हूं, और मैं उन बहनों के लिए भी कहूंगा, धन्य हैं आप बहनें जिनके द्वारा भाइयों को रक्षा सूत्र दिया जाता है। निश्चित रूप से भाई अपनी रक्षा करते हुए आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। मैं शुभकामनाओं के साथ कि हर भाई बहन आज के दिन निश्चित रूप से मिलें जुलें, ये एक बहाना है, लेकिन यह त्यौहार प्रेम का त्यौहार है, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। बहनें वो रक्षा देती हैं, भाई की रक्षा होती है, और भाइयों का भी कर्तव्य है कि बहनों के साथ उसी हृदयता के साथ रहें। निश्चित रूप से एक भारतीय संस्कृति में यह एक इतिहास हमारा रहा है, कई गाथाएँ देखने को मिलती हैं, उन गाथाओं में देखने को मिला है कि भाई बहन का क्या रक्षा सूत्र का क्या महत्व है। तो हम लोग आनंदित हों, मनाएं रक्षाबंधन और सभी को शुभकामनाएं। फाउंडेशन की ओर से पटना सिटी में जो है मुफ्त ई रिक्शा का परिचालन किया जा रहा है, जो रक्षाबंधन के अवसर पर उन महिलाओं के लिए किया जा रहा है जो अपने भाइयों को रक्षाबंधन और राखी बांधने जाएंगी। इस आयोजन में अभी जो है लगभग 30-40 रिक्शा जो है वो पटना सिटी में हर जगह गाय घाट से लेकर के मालसलामी, दीदारगंज सब जगह चलेगी, और उस ई रिक्शा पर हम लोग जो है राखी और साथ में मिठाई भी हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं कि आप भाइयों को अपने कलाई पर जाके राखी बांधिए। इसके लिए जो हमारे बीच लोग आए हैं उन सबों को बहुत बहुत रक्षाबंधन में सबसे पहले उन सभी बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने भाई कलाई पर राखी बांधा, और भाइयों को भी जिन्होंने बहन को यह वचन दिया है कि मरते दम तक आपकी रक्षा करूंगा। निश्चित रूप से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना, और ख़ास करके आज सौर भारत ने जो काम किया है कि इस अवसर पर उन्होंने ई रिक्शा बहनों के लिए उपलब्ध कराया है, उनके सौर भारत के अमित छत्री जी को, समीर रावती जी को, उनकी पूरी टीम, हमारी ओर से शुभकामना है, बधाई है कि उन्होंने इस तरह से सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर और जो सुविधा बहनों को प्रदान किया है इसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज,
जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स पटना सिटी चौक पटना।